हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज भैया अपन जो है डेटा के साथ कुछ अलग तरीके से खेलने वाले हैं, यानी कि उसको रिड्यूस करने वाले हैं। डेटा रिडक्शन लेके आ गया हूँ, बहुत सारे मेथड्स हैं तकनीक से भैया, बड़े डिटेल में एग्जाम्पल के साथ आप तक इस वीडियो के थ्रू मैं पहुँचाने वाला हूँ कि भाई आखिरकार ये क्या बवाल है, डेटा रिडक्शन क्या है। देखो जैसा नाम है वैसा ही उसका ठीक काम भी है, डेटा को रिड्यूस करना। इसको और थोड़ा सिंपल बताऊँ तो भैया आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, फाइनली आफ्टर द डेटा रिडक्शन व्हाट यू विल गेट आप एक रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, एक कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, एक कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, या और भी आसान भाषा में बोलूं तो एक छोटा पपलू वर्जन, एक छोटा वर्जन ऑफ योर ओरिजिनल डेटा आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली साइज में स्मॉलर होगा। ओके, बट वी हैव टू मेक श्योर भले ही वो साइज में स्मॉलर हो या छोटा दिख रहा हो, रिड्यूस्ड दिख रहा हो, कंडेंस्ड दिख रहा हो, बट इट शुड डिलीवर द सेम मीनिंग, इट शुड डिलीवर द सेम मीनिंग और इट शुड हैव दैट इंटैक्ट मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल डेटा। ओके, अब ओरिजिनल डेटा तो बिग डेटा, बहुत बड़ा डेटा है भैया। ओके, अगर अपन उसको रिड्यूस कर लेते हैं तो उससे होता क्या है, वाई वी आर परफॉर्मिंग दिस डेटा रिडक्शन, होता क्या है कि जो भी आपको उस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करना है, जो भी एनालिसिस करना है, जो भी कंक्लूजन तक पहुंचना है, वो आप बड़े ही आसानी से ईजी एंड क्विक फास्ट मैनर में पहुंच सकते हो। तो उसमें भैया डेटा रिडक्शन आपकी जो है काफी ज्यादा मदद करता है। तो भैया इसी प्रक्रिया को परफॉर्म करने के लिए कई सारे अलग अलग विविध प्रकार के भैया मेथड्स जो है अवेलेबल है, उनके बारे में अभी डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है डायमेंशन रिडक्शन। देखो यार, अपना जो डेटा है उसमें बहुत सारे फीचर वेरिएबल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, देयर कैन बी मेनी एज मेनी पॉसिबल, ठीक है, बट जरूरी नहीं कि हर एक एट्रीब्यूट आपका वैल्यूएबल है, हर एक एट्रीब्यूट आपका इंपॉर्टेंट है, जरूरी थोड़ी ना होता है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स हैं, जिनकी जरूरत नहीं है भैया अपने को, है ना, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट्स हैं, उनका बहुत ज्यादा, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं मैं, सिग्निफिकेंस है, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस उन एट्रीब्यूट्स का बहुत ज्यादा है, तो अपन उनको कंसिडर करते हैं, बाकियों को बोलते हैं भैया हटा सा उनकी घटा हट जा भैया, इनकी जरूरत नहीं है अपने को। तो उससे हो क्या रहा है, उससे हो ये रहा है कि पहले इतने सारे एट्रीब्यूट्स थे, अभी हमने कुछ चुनिंदा एट्रीब्यूट्स अपने पास रखे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है फॉर आवर कमिंग टू अ कंक्लूजन, एक कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए ये बहुत सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स है। तो अपन ने क्या किया, यहां से यहां तक आ गए, अपन ने डेटा रिडक्शन किया। अब इसमें भी भैया जो दो वेज अपन फॉलो करते हैं, तो वो दो वेज कौन से है, एक है स्टेप वाइज फॉरवर्ड सिलेक्शन। मतलब क्या, आपके पास देख लीजिए यहाँ पे कितने होते हैं, दो सेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2, एट्रीब्यूट 3, एट्रीब्यूट 4। ओके, ऐसे मेरे पास जो मेरा डेटा है ओरिजिनल डेटा, ये मैं ओरिजिनल डेटा की बात कर रहा हूँ, उसमें कितने हैं, 4 एट्रीब्यूट्स हैं। अब मुझे क्या करना है, रिड्यूस्ड डेटा चाहिए। तो उसमें होता क्या है, वॉट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू, ये जो रिड्यूस्ड डेटा है मेरा, उसमें जो एट्रीब्यूट्स है वो फिलहाल तो एम्प्टी होंगे, उसमें कुछ नहीं होगा, इट विल हैव नथिंग व्हेन वी आर फॉलोइंग द स्टेप वाइज फॉरवर्ड सिलेक्शन। अपन क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे किसमें से, इसमें से, ओरिजिनल एट्रीब्यूट सेट जो है उसमें से सिलेक्ट अपन करेंगे, किसको सिलेक्ट करेंगे, जो कि स्टैटिस्टिकली ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा फॉर अस टू रीच टू अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट कंक्लूजन रिलेटेड टू दैट डेटा, ठीक है। तो जो ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा उसी का चुनाव यहाँ पे होगा, यानी कि शुरुआत में इनमें से जो सबसे बेस्ट होगा उसका यहाँ पे चुनाव होगा। तो इसमें से मान लीजिए A2 बेस्ट है, ओके, फिर A2 यहाँ पे आ गया, उसके बाद फिर A3 आ गया। तो अभी समझिए A2 एंड A3 ये दो ही मेरे सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट प्रूवन एट्रीब्यूट्स हैं, तो मैंने उसको रिड्यूस डेटा सेट में ले लिया, बाकियों को वैसा का वैसा रखा। तो अभी मैं इसके साथ काम करूंगा। सो दिस इज आवर बेसिकली स्टेप वाइज फॉरवर्ड सिलेक्शन इज वर्किंग। अब दूसरा जो वे है, दूसरा जो तरीका है यही डायमेंशन को रिड्यूस करने का, अभी देखिए इसमें से A1 और A4 चला गया, तो अपन ने वो रिड्यूस किया है। अब अगर आप देखेंगे दूसरा तरीका, स्टेप वाइज बैकवर्ड एलिमिनेशन भी कहते हैं इसको। तो अभी होगा क्या भैया, मामला बड़ा सिंपल है, रिड्यूस्ड डेटा आपका जो सेट होगा उसमें सभी एट्रीब्यूट्स भरे हुए होंगे, जितने भी एट्रीब्यूट्स आपके पास हैं वो भरे हुए होंगे। पहला सिचुएशन ऐसा नहीं था फॉरवर्ड में पूरा एम्प्टी पड़ा हुआ था, उसको अपन ने सिलेक्ट कर करके भरा था और जितना भरा था वो बेस्ट था। इसमें अपन ने क्या किया, सभी एट द वंस कंसिडर कर लिया है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, उसके बाद अपन एलिमिनेशन करते हैं। मतलब यहाँ पे अपन बेस्ट नहीं ढूंढते, यहाँ पे अपन वर्स्ट ढूंढते हैं, मतलब जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट है। यहां पे अपन बात कर रहे थे मोस्ट सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट की, यहां पे अपन बात कर रहे हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट की। तो इसमें से जो भैया लीस्ट सिग्निफिकेंट होगा, मान लो A1 की ज्यादा जरूरत नहीं है तो उसको हटा दिया, फिर क्या बचा, A2, A3, A4 बचा। उसके बाद भैया इसमें से लीस्ट सिग्निफिकेंट ये है, इसको निकाल दिया, तो फिर क्या हुआ, A2,
A3, तो ये आपका भैया आ गया रिड्यूस डेटा सेट। तो भैया रिजल्ट तो आपको वही मिला है एक तरीके से कह सकते हो आप, लेकिन तरीका अलग है। इसमें अपन एलिमिनेट कर रहे हैं इसे लीस्ट सिग्निफिकेंट को, और इसमें अपन क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट को। दैट इज द डिफरेंस। सिंपल सा मामला था, डायमेंशन रिडक्शन देख लिया। अब बात करते हैं भैया अगले मुद्दे की। मुद्दा है बड़ा खतरनाक, मेथड का नाम है डेटा कंप्रेशन, यानी कि आप यहां पे डेटा को कंप्रेस करने की कोशिश करने वाले हो। दो तरीके आपके सामने है, लॉसलेस एंड लॉसी। क्या मतलब निकल के आता है, क्या डिफरेंस निकल के आता है, मान लीजिए आपने अपने डेटा को कंप्रेस कर दिया, अब वो कंप्रेस्ड फॉर्म में आपके सामने है। Now what is lossless and lossy? सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूं कि अब ये जो कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा है, अगर आप इसको उल्टा चलाओ तो क्या ये चलेगा, ये समझना है। उल्टा चलाने का मतलब क्या है, रिवर्सिबल है या नहीं, यानी कि इस कंप्रेस्ड डेटा को अगर आप डीकंप्रेस करो तो क्या आपको अपना ओरिजिनल डेटा रीबिल्ड या रिस्टोर्ड फॉर्म में मिलेगा या नहीं, दैट इज द क्वेश्चन। अगर आपको मिलेगा तो वो लॉसलेस कंप्रेशन है, अगर आपको नहीं मिलेगा तो वो लॉसी कंप्रेशन है। क्योंकि यहां पे लॉसी कंप्रेशन में क्या होता है, कहीं ना कहीं डेटा क्वालिटी के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो ही जाता है, इसीलिए उसे लॉसी बोला गया है। लेकिन लॉसलेस कंप्रेशन में कोई भी डेटा क्वालिटी के साथ आपका कंप्रेशन नहीं होता, इसीलिए वो रिवर्सिबल कंप्रेशन है। इसे अपन क्या बोलते हैं, लॉसलेस को रिवर्सिबल कंप्रेशन। मतलब एक बार आपने अपने डेटा को कंप्रेस किया, उसको वापस से डीकंप्रेस किया तो आपको वही मिलेगा जो था, लेकिन लॉसी में वैसा नहीं होता, इट इज नॉट द सेम दैट यू गेट। ओके, तो उसमें डिफरेंस होता है बिकॉज उसमें डेटा क्वालिटी के साथ वहां पे थोड़ी बहुत छेड़छाड़ हो जाती है। अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि कहां कहां पे यूज होता है, जैसे कि यार आपका लॉसी कंप्रेशन जो है वो आप देखोगे ऑडियो वीडियो इमेजेस कंप्रेशन में जो है यूज होता है, वैसा डेटा जो कंप्रेशन होता है वहां यूज होता है। लॉसलेस वाला जो मामला है वो कहां होता है, जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, साउंड हो गया, वहां पे आपका लॉसलेस कंप्रेशन जो ज्यादातर काम करता है। अब बात कर लेते हैं भैया कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स की जो कि इन रिस्पेक्टिव कंप्रेशन में इस्तेमाल यूज किए जाते हैं। जैसे कि लॉसी कंप्रेशन की अगर अपन बात करें तो डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म, ये जो एल्गोरिथम है वो यहां पे भैया चलता है। और लॉसलेस में अगर आप देखोगे तो आपका हफमन कोडिंग आपने सुना होगा, वो एक एल्गोरिथम यहां पे जो है लॉसलेस में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला तरीका, अगला मेथड जिसका नाम थोड़ा अटपटा है, न्यूमरोसिटी रिडक्शन। जी हाँ, न्यूमरोसिटी रिडक्शन, ये क्या बवाल है भैया, थोड़ा मुश्किल है क्या? नहीं नहीं, बड़ा ही आसान है। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अपना जो ओरिजिनल डेटा होगा ना उसको रिप्लेस कर रहे हैं, उसको रिप्लेस कर रहे हैं विद अ स्मॉलर फॉर्म ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। उसी डेटा का एक स्मॉलर फॉर्म रिप्रेजेंट सामने रखने की अपन यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं, और जिसमें भैया दो तरीके आपके सामने आ जाते हैं, एक है पैरामेट्रिक और एक है नॉन पैरामेट्रिक।